आप सबको जय मसीह की। आज फादर्स डे है, तो आज का ये मैसेज सभी प्यारे फादर्स के लिए और जो बच्चे अपने फादर्स को विश कर रहे हैं उनके लिए भी है। तो चलिए, बाइबल क्या कहती है फादर्स डे के बारे में ये हम जानते हैं। सबसे पहले हमें एक चीज़ जाननी है कि हमारे स्वर्गीय पिता ने इतना बड़ा सैक्रिफाइस हमारे लिए किया है, अपना इकलौता एक पुत्र इस दुनिया में भेजकर हमें जीवन प्रदान करने के लिए। उसी तरह हमारे पिता जिन्होंने हमें इस दुनिया में लाया है, हमारे पिता उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया है हमें बड़ा करने के लिए। अगर आपके पिता इस दुनिया में नहीं है तो आपको दुखी नहीं होना है, क्योंकि आपके पिता परमेश्वर के घर में हैं और हमें आशा है कि हम एक दिन ज़रूर मिलेंगे। बाइबल कहती है कि इतना बड़ा सैक्रिफाइस फादर अपने बच्चों के लिए करते हैं, जैसे हेवनली फादर ने किया है हमारे लिए। हमारे बायोलॉजिकल फादर भी हमारे लिए बहुत सैक्रिफाइस करते हैं, दिन रात मेहनत कर हमें बड़ा करते हैं। इसलिए निर्गम की पुस्तक अध्याय 20 और वचन 12 में हम पढ़ते हैं, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। हमें हमारे माता पिता का आदर करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया है हमें बड़ा करने के लिए। और परमेश्वर आपको आशीष देता है जब आप उनका आदर करते हैं। और परमेश्वर कहते हैं कि तू उस देश में बहुत दिन तक रहेगा अगर तू अपने माता पिता का आदर करेगा। बहुत दिन तक रहेगा मतलब तुम्हारी आयु बहुत बढ़ेगी। इसलिए प्रियो, अपने माता पिता को कभी भी बुरा मत कहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। स्तोत्र संहिता, जिसे हम भजन संहिता भी कहते हैं, अध्याय 103 और वचन 13 में हम पढ़ते हैं, जैसा पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। प्रियो, इस दुनिया में हम पर दया करने वाले बहुत कम लोग हैं। लोग आपको लूटना चाहते हैं, लोग आपका फ़ायदा लेते हैं, पर आप पर दया करने वाला आपका पिता होता है, आपका पिता जो स्वर्गीय पिता है, और आपका बायोलॉजिकल पिता जिसने आपको जन्म दिया है, वो आप पर दया करते हैं क्योंकि आप उनके बच्चे हो। इसलिए कभी भी दुखी मत होना अगर आपके पिता इस दुनिया में नहीं है, पर आपके स्वर्गीय पिता आपके साथ है, वो आप पर दया करेंगे, वो आपको कभी भी छोड़ेंगे नहीं। इफिसियों की पुस्तक अध्याय 6 और वचन 4 में हम पढ़ते हैं, और हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। बच्चों का पालन पोषण पिता करते हैं। अगर वे प्रभु की शिक्षा निरंतर उन्हें देते रहेंगे तो उनके बुढ़ापे में वे बच्चे उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। तो प्रभु की शिक्षा अपने बच्चों को देते रहिए, ताकि बुढ़ापे में आपके बच्चे आपका पालन पोषण करें। बहुत से बच्चे बिगड़ जाते हैं शराब की लत में और अपना जीवन ख़त्म कर देते हैं। हमारी फैमिली में
हमारे कज़िन भाई की रिसेंटली डेथ हुई है, क्योंकि वे शराब में इतने डूब गए थे कि उन्होंने अपने बच्चे और अपने परिवार के बारे में सोचा नहीं। इतनी कम उम्र में उनका देहांत हो गया। प्रियो, एक पिता अपने बच्चों के लिए ज़िम्मेदार रहता है, और जैसे हमारे हेवनली फादर अनंत काल के लिए जीवंत है, वैसे ही इस धरती पर पिता का होना कितना महत्वपूर्ण होता है। प्रोवर्ब्स 3:11-12, जिसे हम नीति सूत्र कहते हैं, उसमें लिखा गया है, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा में मुँह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब बुरा न मानना। जब आपके माता पिता आपको शिक्षा करते हैं तो मुँह नहीं मोड़ना चाहिए, और उनकी कही हुई बातों पर बुरा न मानना। कई बार बच्चे अपने माता पिता से बात नहीं करते हैं क्योंकि उनको बुरा लगता है उनके माता पिता ने अगर उन्हें डांटा है। हमने ऐसे बहुत केसेस देखे हैं जिसमें बच्चे सालों साल अपने माता पिता से बात नहीं करते हैं। तो हमें अपने माता पिता के साथ बात करना छोड़ना नहीं चाहिए। प्रोवर्ब्स 22:6 में हम पढ़ते हैं, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में। और अध्याय 23:24 में हम पढ़ते हैं, धर्मी का पिता बहुत मगन होता है, और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। अगर आपके बच्चे बुद्धिमान हो तो पिता को बहुत ही आनंद होता है। वैसे ही प्रियो, अगर हम हमारा जीवन अच्छे से व्यतीत करते हैं तो हमारे परमेश्वर को भी हम पर गर्व होता है और वह आनंदित होता है। इसलिए अपने माता पिता का नाम हमेशा रोशन करिए, और हमारे स्वर्गीय पिता का डर मान के चलिए, उसके वचन में बने रहिए। आप सबको फादर्स डे की बहुत शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखिए। आप सबको जय मसीह की।